नमस्कार दोस्तों, मेरी सहेली सरिता में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं फिटकरी का फेस पैक। पहले मैं आपको फिटकरी के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। इससे जो हमारी स्किन है वो काफ़ी टाइटनिंग हो जाती है, जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, फेस की जो जितनी भी डस्ट होती है वो भी क्लियर हो जाती है और हमारी टैनिंग भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पहले ज़माने में ये सैलून तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए जेंट्स लोग इसे यूज़ किया करते थे। दोस्तों, पहले ज़माने में ही नहीं, अब भी इसे यूज़ किया जाता है। जैसे गांव देहात के इलाके में जैसे हम शेविंग करते हैं जेंट्स लोग, तो उनके फेस पे जो कट लग जाते हैं उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर पूरे फेस पे अगर यूज़ करेंगे जहाँ पे हम शेविंग करते हैं, तो काफ़ी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाती है। इसका आज हम आपको पैक बनाना सिखाएंगे। ये हमने इसको पीस लिया है, अब हम इसको हम छन्नी में छान रहे हैं। इसका हमें पतला पतला बुरादा चाहिए। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसको पीस लिया है और काफ़ी महीन पीसा है। दोस्तों, ये जो पैक हम आपको आज बताने वाले हैं, ये स्पेशली जेंट्स के लिए है, क्योंकि फिटकरी जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं और हमारे जो भाई हैं, ये उनके लिए ही हम बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमसे बोला है कि लेडीज़ ले काफ़ी कुछ बता चुके हो, थोड़ा जेंट्स के लिए भी कुछ बताया जाए। आज हम उनके लिए एक फेस पैक लेकर आए हैं, तो हम आपको आज आपको बताने वाले हैं। ये हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी ऑलरेडी एंटीबायोटिक होती है, हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, ये हमने आधा चम्मच इसमें शहद डाला है और आधा चम्मच इसमें हल्दी डाली थी। दोस्तों, जो ये फिटकरी है ये कोई अनजान चीज़ नहीं है, ये हमने यूज़ करते हुए देखा है अपने पापा को। वो अपनी जब शेविंग करते थे तो उसके बाद इसे यूज़ किया करते थे, तब तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब पता चल रहा है ये क्यों यूज़ की जाती है। हम इसमें अब गुलाब जल डाल रहे हैं। दोस्तों, हम ये नींबू की कुछ बूंदे ले रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। नींबू तो ऑलरेडी आपकी टैनिंग ख़त्म करता है। बस अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है, हम इसका फेस पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने हाथ पर, क्योंकि फिटकरी सबको सूट नहीं करती है। ये हम सूट देख रहे हैं और हमारे जो भाई हैं, ब्रदर हैं, उनको ये फिटकरी सूट कर रही है, तो हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अब इस तरीके से आपको यूज़ करना है, बिल्कुल पतला पतला मास्क जैसा लगाना है आपको। और दोस्तों, ध्यान रखना, ये बस 5 मिनट्स तक ही आपको यूज़ करना है, इसके बाद यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारे फिटकरी होती है वो आपकी जो स्किन है काफ़ी टाइट कर देती है। 5 मिनट्स बाद हम इसे वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। दोस्तों, ये हमने फेस वॉश कर लिया है, बस 5 मिनट्स ही इसको रखना है अपने फेस पर। और दोस्तों, इसको यूज़ करने के बाद इस पैक को हम अपनी स्किन को एक बार मॉइस्चराइज ज़रूर करना ना भूलें, जिसके लिए आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एलोवेरा जेल पतंजलि का लिया है, इसमें चंदन केसर है, और ये हम बादाम रोगन ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी विटामिन ई पाया जाता है, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या फिर आप कोई भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपको। दोस्तों, इस मास्क को या इस पैक को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको यूज़ कर सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।